सकता है इनको हम ईवीएम की बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये भड़क जाएंगे, कहेंगे अरे ईवीएम में कहां गड़बड़ है, हमें तो सभी लोग वोट दे रहे। हम जब जनता में जाते हैं, आदमी बेरोजगार परेशान है, हर जाति धर्म का व्यक्ति परेशान है, फुटपाथ पर नाला नाली पर जीवन गुजार रहा, आप कह रहे हमें धड़ाधड़ वोट मिला। मशीन जैसे ही खुलती है तो ऐसे लगता है जैसे नोट बरसता है, ऐसे इनका वोट बरसता है और जनता दुखी है, परेशान है। हम अगर ये बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग लाठी लेके आ जाएगा, अरे आपने ईवीएम को कैसे बोल दिया, ईवीएम तो बिल्कुल फुल जो मतलब प्रूफ है, उसको तो छेड़ी छाड़ नहीं हो सकती, मतलब ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। मोबाइल में अगर धोखे से बटन दब जाए तो सारा पैसा वो चीन में बैठकर आपका पैसा उड़ जाएगा, लेकिन ईवीएम नहीं हो सकती। चलो उन चीजों का की बात है, और पूरे हमने अवासर को पढ़ा, सुना भी पढ़ा भी। इस भारत देश में जिन महापुरुषों की बदौलत, जिन महापुरुषों के त्याग और बलिदान की बदौलत देश जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, उस समय सभी ने अपने अपने तरह से देश को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन त्याग और बलिदान किया। फांसी के फंदे पर हंसते हंसते सब समाज के लोग वीर शहीद झूले। उसमें दो लड़ाइयां चल रही थी, एक तो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, जब यहां बात चलती है तो दोनों तरफ से खटकता होगा, क्योंकि जैसे हम हैं वैसे आप हैं, एक तरह का सकल सूरत है, एमएलसी भी है, यहां तक आ गए, अब आप बोल नहीं सकते कि हम क्या है, उन चीजों का आप जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन जिक्र हो रहा है, इसका मतलब है कि वो चीजें अभी खत्म नहीं हुई हैं, जिनके लिए देश आजाद होने के बाद संविधान सभा के अंदर परम पूज बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इस भारत के संविधान को बनाने के साथ साथ एक एक बिंदु का और पूरी संविधान सभा ने उन बिंदुओं पर विचार करके उनको पारित किया, लेकिन जिन चीजों को हम खत्म करना चाहते उसके लिए भी उस समय संघर्ष चल रहा था। आज हम नाम लेंगे परम पूज्य महात्मा ज्योतिबा फुले जी का, जिनको स्कूल के अंदर सामाजिक व्यवस्था के कारण पढ़ने की आजादी नहीं थी, वो भी संघर्ष हुआ। परम पूज महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, माता सावित्री बाई फुले जी ने पूरे देश की एक एक बहन बेटी को, चाहे वो किसी जाति समाज की हो, किसी धर्म की हो, मतलब ये सोच के कम से कम तो उनको नमन करना चाहिए, लेकिन सरकार की मजबूरी है, कैसे कह दे महात्मा ज्योतिबा फुले जी का नाम कैसे ले दे, अगर माता सावित्री बाई फुले जी का नाम कैसे ले दे, फातिमा शेख जी का नाम कैसे ले दे, छत्रपति साहू जी महाराज जिन्होंने आरक्षण का, उनको हम जनक कहते हैं, पहली बार पढ़ लिख के महात्मा ज्योतिबा फुले जी के संघर्ष त्याग और बलिदान से पढ़ने का मौका मिला, पढ़ने के बाद जाएंगे कहां, पढ़ा लिखा तो गुलामी करेगा नहीं, जैसे ही शिक्षा शेरनी का दूध है, जैसे ही दूध मुंह में गया तो अब वो गुलामी करेगा नहीं, गुलामी की जंजीरें तोड़ेगा, तो उसके लिए आरक्षण मिला। आरक्षण कोई ये भीख नहीं है, अभी भी जाने क्यों, अब तो ईडब्ल्यूएस के साथी भी आ गए, वो बेटे भी आ गए। मैं तो सोच रहा था हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस बात की मांग रखी थी, तो सभी ने कहा करे ये तो सवर्ण समाज के लिए भी मांग कर दी, अब ये समाज भी बीएसपी से जुड़ जाएगा, अब तो ये हो जाएगा, तो जल्दी जल्दी से इस सरकार ने माना, हमने स्वागत किया। हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले स्वागत किया कि 10% हमारे अब सवर्ण समाज के हमारे भाई बेटे वो भी इस कतार में खड़े हो गए कि जिनको भी नौकरी के लिए आरक्षण की जरूरत पड़ गई, मतलब जिनको अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों को जिनके जिंदगी की बेहतरी के लिए स्वाभिमान सम्मान के लिए जिनको आरक्षण जरूरत थी, अब तो इनको भी जरूरत पड़गी। इसका मतलब इतने साल में सरकार ने क्या किया, तो आप कह देंगे ये सरकारें थी, आप उनको छोड़ दो। आपको अभी इसी सरकार में जब आपने 10% किया तब आपने क्या चालाकी से किया, आरक्षण आपको आरक्षण की आप विरोधी है, ये सरकार आरक्षण की विरोधी है। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हो रही थी बहुजन समाज पार्टी के नेता, अब हम ये नहीं कहेंगे कौन कौन विरोधी है, कुछ हमारे मित्र अभी जग रहे, स्वागत उनका, कम से कम जगे तो, जब हम जगा रहे थे ढोल बजा बजा के दिल्ली के बोट क्लब पर मंडल कमीशन लागू करो, बढ़ना कुर्सी खाली करो,
जो बहुजन की बात करेगा वो दिल्ली पर राज करेगा। जब हम ये नारे लगा रहे थे तो हमारे मित्रगण गहरी नींद में सो रहे थे, तब उनको पता नहीं था। जो शब्द अब उनको होश आया कि अरे हम तो ये हैं, अरे हमने कहा हम तो बता रहे थे तुम यही हो, काहे को चक्कर में पड़ गए थे तुम, अब ना ऊपर रहे ना नीचे रहे। जब त्रिशंकु बन के उलझ गए तो कहा आप तो इसका मतलब नीचे ही चलो। लेकिन हम स्वागत करते हैं कि आपने जो आरक्षण का जब दिया ईडब्ल्यूएस को भी दे दिया, तो आपने चालाकी से नौकरियां खत्म कर दी। आप सचिवालय के अंदर संविदा मतलब आईएएस जो बनते थे, पहले बड़ा गर्व था पूरे देश को कि जो बेटा आईएएस बनता था आईपीएस बनता था, बैठे हैं माननीय मंत्री जी, कितना है और हम लोग सम्मान भी करते हैं कि वहां से आए। अब क्या हुआ, अब इनकी जगह पर जिस कुर्सी को ये खाली करके आए होंगे हम पूछेंगे नहीं कि उस पर कौन बैठा हुआ, हो सकता संविदा से बैठा लिया। चोर दरवाजा सरकार कितनी होशियार है इस बात की तो हम तारीफ करेंगे। हो सकता है इनको हम ईवीएम की बात नहीं करेंगे, नहीं तो ये भड़क जाएंगे, कहेंगे अरे ईवीएम में कहां गड़बड़ है, हमें तो सभी लोग वोट दे रहे। हम जब जनता में जाते हैं आदमी बेरोजगार परेशान है, हर जाति धर्म का व्यक्ति परेशान है, फुटपाथ पर नाला नाली पर जीवन गुजार रहा, आप कह रहे हमें धड़ाधड़ वोट मिला। मशीन जैसे ही खुलती है तो ऐसे लगता है जैसे नोट बरसता है, ऐसे इनका वोट बरसता है और जनता दुखी है परेशान है। हम अगर ये बात कह रहे हैं कि चुनाव आयोग लाठी लेके आ जाएगा, अरे आपने ईवीएम को कैसे बोल दिया, ईवीएम तो बिल्कुल फुल जो मतलब प्रूफ है उसको तो छेड़ी छाड़ नहीं हो सकती, मतलब ईवीएम में छेड़छाड़ नहीं हो सकती। मोबाइल में अगर धोखे से बटन दब जाए तो सारा पैसा वो चीन में बैठकर आपका पैसा उड़ जाएगा, लेकिन ईवीएम नहीं हो सकती। चलो भाई हम मान लेंगे नहीं हो सकती, लेकिन अगर इनमें हिम्मत है नहीं हो सकती। हम कह रहे अगर ये ईमानदार एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, पता चल जाएगा कि ईवीएम में गड़बड़ है या आपको वोट मिल रहा है, क्या इसमें दिक्कत है। माननीय अंबेडकर जी, महामहिम के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा है, इसमें ईवीएम का और चुनाव का विषय कहां है? मानवर इन्हीं में लिखा है, मानवर इसमें कहां लिखा है? मानवर नहीं मानवर जी मानवर, फिर भारत निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल मानवर। आप सदन में इस मानवर बिल्कुल सभी संवैधानिक संस्थाएं मानवर जी जी, और संविधान हमने भी थोड़ा पढ़ा, आग्रह है कि जरा मानवर हमने संविधान है महामहिम मानवर हमने संविधान को थोड़ा पढ़ा है जी। सबसे बड़ी जो संवैधानिक संस्था है वो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर, देश की सभी संवैधानिक संस्थाओं जिनको पावर मिला है उनके बनाए हुए नियमों को बदला गया है। इसीलिए लोकतंत्र में सत्ता का मंदिर बड़ा होता है, इस बात को भी हमें पता होना चाहिए मानवर। ये दुहाई देना है, ये दुहाई मानवर, ये दुहाई के सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, अभी चल रहा विवाद, खुल के बोला जा रहा, हम नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे तो लाठी लेके आप खड़े हैं, बाकी की केंद्र की सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में बोला जा रहा कि वो एक खानदान के जज आ रहे हैं, हाई कोर्ट में जजों के बारे में बोला जा रहा है, और बाकी के नीचे की हम न्यायपालिका के बारे में नहीं बोल सकते। माननीय अंबेडकर संवैधानिक एक, एक, एक मिनट सुन लीजिए, देखिए समय की एक सीमा है वो हमारी, और एक मिनट अंबेडकर जी, माननीय अंबेडकर जी, समय की सीमा का भी समय विभाजन का प्रतिबंध है, दलीय संख्या के अनुपात में समय का विभाजन लोकसभा में होता है, संविधान के विद्यार्थी मैं भी संविधान का विद्यार्थी, राज्यसभा में भी होता है, विधानसभा में भी होता है, विधान परिषद, इसलिए आप दल के एक सदस्य हैं, आपके 15 मिनट होने जा रहे हैं, इसलिए विषय को जल्दी से आप हम भी चाहते हैं कि समय की सीमा बिल्कुल विराम दें आप समय, लेकिन फिर उसके बाद अगर लोकसभा और राज्यसभा ही बनाना है, विधान परिषद को हम तो चाहते हैं, ताकतवर हमारा सदन है, हम किसी से बंधे नहीं है। माननीय सभापति जी ने कहा था प्रश्नकाल विधानसभा में हुआ, विधान परिषद में नहीं हुआ, हम विधानसभा से भी नहीं बंधे, हमारा स्वतंत्र सदन है। मानवर जब हम इस बात की बात करते हैं कि हमें पूरे देश में जो गरीब कमजोर लोग हैं, हम इन्हीं की जो नीति आयोग है उसकी रिपोर्ट मानवर पढ़ देते हैं। नीति आयोग ने अपनी पहली बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI रिपोर्ट में कहा
कि बिहार उत्तर प्रदेश देश के सबसे निर्धन राज्यों में शामिल है। हमारे ख्याल से अब ये कहेंगे कि वो कहां की रिपोर्ट है, नीति आयोग की रिपोर्ट है, और इसमें बिहार झारखंड मतलब शायद सरकार सोचेगी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर है। उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर जाके 37.79% लोग निर्धन है, ये नीति आयोग को कहना है। और देश में आर्थिक असमानता की चिंता करने की जरूरत है, ये सरकार नहीं कह रही, लेकिन अब कुछ लोग हैं जो बोल रहे हैं। सबके सब तो हाँ तानाशाही है, लेकिन इतनी तानाशाही हमारे ख्याल से नहीं, तो आप कहेंगे कि कितनी है। हाँ अभी इतनी बची है कि कुछ लोग बोल रहे हैं। सबके ऊपर टेप नहीं लगा हुआ है कि आप सबको खरीद लेंगे, सबको आप डरा देंगे, सबको आप धमका देंगे, सबको आप सबका मुंह बंद कर देंगे। कुछ लोग बोल रहे जिन्हें चिंता है कि पूरे 1980 के दशक में भारत के टॉप 1% के हाथों में देश की कुल आय का 6% हुआ करता था 80 में, और आज क्या है, आज यह बढ़कर 22% तक पहुंच गया, मतलब 1% लोगों के पास 22%। और आप किनके लिए लाल कालीन लिए घूम रहे, पीछे पीछे घूम रहे पूरे दुनिया में। उत्तर प्रदेश, अभी हम लखनऊ को देख रहे थे, पूरा सजा बजा लखनऊ था। ऐसा लखनऊ कभी आपने मजदूरों के लिए नहीं सजाया, एक बार सजा के देखो। जिन्होंने आपको वोट किया है, जो ये सत्ता के मंदिर में पहुंचाते हैं, आप उनके लिए भी तो एक बार लाल कालीन बिछा के देखो, आपका वो दिल से धन्यवाद करेंगे। आप उद्योगपति साफ करें, और जब आप ग्राम समाज की जमीन में, अभी कल का ही देख रहे थे कि ग्राम समाज की जमीन में झोपड़ी रख के उसको तो आपने जाके बुलडोजर से गिरा दिया, और इसमें ये कह कह रहे हैं कि जब उद्योगपति आएंगे तो हम उसको सरकार जो 80 जो भूमि उसकी धारा है अध्याप्त अधिनियम की, उसको आपने शिथिल कर दिया। ग्राम समाज की जमीन भी उद्योगपति को दे देंगे, साफ हो गया। अब पहले तो हम लोग कहते थे कि ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, ये धन्ना सेठों की सरकार है, ये उनसे इसके आगे अगर हम बोल दें कि ये सरकार जब चुनाव आता है और जो 100-100 हेलीकॉप्टर लेके घूमते हैं जो हमारे माननीयगढ़, वो कहां से आते हैं, वो इन्हीं उद्योगपतियों के द्वारा आते हैं जिनके लिए सरकार लाल कालीन लेकर बिछाने को जाती है। तो ये बातें तो साफ हो रही है कि बड़े पैमाने पर आपने एक एक नौकरी को खत्म किया है। आप इतनी साफ गोई से नौकरी को खत्म कर देते हैं, समदा के जो हमारे कर्मचारी हैं उनको आप क्या करते, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल आपने रखा, और एक झटके में आपने उनको बाहर कर दिया, दूसरे समुदाय से रख लिए। वो बेचारे मतलब आत्महत्या कर ले क्या, क्या जाके घर पर क्या दिखाए कि आज आपने घर को कह दिया कि आपका बंधुआ मजदूर समझ रखा आपने, कि आपने पूरे जो सरकारी कर्मचारी है उसकी आपने नौकरी को खत्म करके आपने पूरा उसको बंधुआ मजदूर के तौर पर बना के रखा है। मानवत कर्मचारियों का पूरे पूरे प्रदेश में किसी भी विभाग के कर्मचारी है क्या, कि एक तरफ असंगठित लोग हैं, बेचारे संगठित नहीं है, वो तो उनको तो आपने जो मजदूर हैं उनका तो आपने न्यूनतम मजदूरी जो सलाहकार बोर्ड है, मान लो देख लो, मैं तो जब प्रश्न लगाया तो जब मैं बोलता हूं तो दो बार प्रश्न लगाया तो कह देते हैं हमारे मित्र हैं एक बड़ा ख्याल रखते, कहते दो बार लगाया तो दोबारा कैसे लगा दिया, पहले लगाया था तो हमने कहा कि एक बार हमने लगाया कि हमने कहा कि हमने पूछा कि उत्तर प्रदेश में जो मजदूर है उनकी मजदूरी आप कैसे तय करते, जब हमने पूछा मनरेगा की तो आपने कितना बता दिया, मनरेगा को 204 रुपया, मनरेगा को आपने 204 रुपया प्रतिदिन मजदूरी आप दे रहे, और जब हमने पूछा कि इनको आप मजदूरी किस आधार पर दे रहे, तो फिर हमने कहा शायद दूसरे जो श्रमिक उनका अलग होगा। तो जब हमने सरकार से पूछा तो इनका जवाब क्या आया कि अकुशल प्रतिमाह 5,750, अर्धकुशल 6,325, कुशल 7,085।
ये आपने जवाब दिया, तो हमने कहा ये पढ़ाई क्यों नहीं। मान्य अम्बेडकर जी, तो जब पढ़ाने की हमने बात की, समापन की ओर आ जाए, जब हमने पढ़ाने की बात की तो मानवर ये क्या किए, इनका न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड है, वो बात तो करते हैं कि 2017 के पहले, अब 2017 के पहले करते हैं, लेकिन 2007 से 12 की बात नहीं करते। हमारे कुछ मित्र हैं जो 2007 से 12 में अभी हमें दिखते थे, 2007 से 12 में एमएलए था इटावा की लखना सीट से, तो समय हमारे मित्र थे, मैं उस सदन में था तो इधर बैठते थे। अरे ढिल्लो साहब थे भाई, तो मानवर उस समय हमारी नेता माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड है, नहीं रख रहे हैं, न्यूनतम अम्बेडकर जी, न्यूनतम मजदूरी, मान्य अम्बेडकर जी, समय सीमा का आप ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैंने आपसे आग्रह 20 मिनट हुआ अभी, हाँ तो 20 मिनट कितना समय मिल जाएगा आपको, माननीय एक सदस्य हैं आप अपने दल के, कितना समय दे दिया जाएगा आपको, कितना समय होगा, एक घंटा तो मिलेगा, कैसे मिलेगा एक घंटा, एक घंटा सपा को मिला है आपको, कैसे मिलेगा, सपा के 9 हैं, 9 का भाग करिए एक घंटे में, उतने मिनट आपके हिस्से में, मतलब तो इधर से भी तय किया जाएगा, इधर से जब बोलने का नंबर आएगा तब तय करेंगे, इनका तो सबसे ज्यादा समय है, आप समाप्त करिए जल्दी से, विराम दीजिए, बस विराम दीजिए जल्दी से, मतलब आपको दो और आपके दल के नेता आपको इधर रहना चाहिए, और बोलना है अभी तो समय सीमा में तो बांधना पड़ेगा, और आपको भी पीठ के जी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, आग्रह जी। अब इसका मिनट में विषय का तो लिखते नहीं, जी आज नीली पगड़ी पहन के आए, चलिए चलिए मतलब गड़बड़ हो गया, अगर ये वो वाली पहनते तो शायद नंबर लगता, ठीक है ठीक है, तो ये है हमारी तरफ, लेकिन मजबूरी में उधर है, मानवर न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड, बस विराम दे दीजिए, आप समापन कर दीजिए, समय बोलने दीजिए मानवेंद्र जी, जी बोलिए, अगर हम बैठ जाएंगे तो बहुत लोगों को फिर बैठने में दिक्कत होगी। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।